हेलो दोस्तों, आप सभी का हेल्प इंटरनेशनल स्टूडेंट्स चैनल पर फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड जो भी अपडेट या न्यूज़ होती है और साथ में इंफॉर्मेटिव वीडियो होती है, अगर वो आप डेली पाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसी चैनल पर ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अपडेट, न्यूज़ और साथ में इंफॉर्मेटिव वीडियो है वो छोटी से छोटी वीडियो में बनाकर आपके सामने पेश करने का काम करता हूँ, जिसे सुनकर आप किसी एजेंट या काउंसलर के पास जाओगे तो आप उसकी बकवास तो सुनने वाले नहीं है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा आइलेट्स या पीटी में मिनिमम स्कोर कितना चाहिए आफ्टर 12th। तो ज़्यादा बकवास न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें मिनिमम पीटी या आइल्ट स्कोर आफ्टर 12th कितना चाहिए, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपने पीटी की है तो आपके ओवरऑल 51 स्कोर होना चाहिए पीटी में, और किसी भी एक मॉड्यूल में 51 से नीचे और 42 के बीच का स्कोर है तो आपका काम चल जाएगा। दोस्तों, आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अच्छी यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, जिसे हम लेवल 1 की यूनिवर्सिटी या कॉलेज भी कहते हैं। दोस्तों, इसमें वीजा चांसेज बहुत ही अच्छे रहते हैं। और अगर हम आइल्ट्स की बात करें, आइल्ट्स का भी ऐसा ही है दोस्तों। अगर आप ओवरऑल 6 बैंड है आफ्टर 12th और किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आप अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों, अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज मिल जाएंगे जिसमें वीजा चांसेज मैं पहले भी बता चुका हूँ बहुत ही अच्छे रहते हैं। दोस्तों, अगर दोस्तों वैसे फाइल तो किसी भी बैंड स्कोर पे अप्लाई हो जाती दोस्तों, वो रिस्क रहता दोस्तों, हमें रिस्क नहीं उठाना है। तो बैंड स्कोर इंप्रूव करिए, अगर आपका बैंड स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा तो दोस्तों आप रिस्क उठाना है तो तब उठाइए। दोस्तों, पहले मेहनत कीजिए, रिस्क तो हम बाद में भी उठा सकते दोस्तों कम बैंड स्कोर पे। दोस्तों, ये जो मिनिमम रेंज बताई दोस्तों, अगर आपके ओवरऑल 6 बैंड किसी एक में 5.5 है तो आप ऑस्ट्रेलिया के लिए आसानी से अप्लाई कर सकते दोस्तों। अगर कुछ एक कोर्स है दोस्तों, तो जैसे नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग के लिए मिनिमम स्कोर आफ्टर 12th है, ओवरऑल आपके 7 बैंड होने चाहिए और किसी भी मॉड्यूल में 7 से कम नहीं होने चाहिए दोस्तों। ज़्यादा आप कितने भी ले सकते हैं अगर आप ऑस्ट्रेलिया में नर्सिंग करना चाहते हैं दोस्तों। ये कुछ एक कोर्स है जिसके लिए अधिक बैंड की आवश्यकता होती है दोस्तों। वैसे नॉर्मली अगर हम बात करें तो 6 बैंड किसी एक मॉड्यूल में 5.5 है तो आप ऑस्ट्रेलिया की अच्छी यूनिवर्सिटी कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपका कोई क्वेश्चन रह गया तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं उसका जल्द से जल्द जवाब दूंगा। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो का हम लाइक एम 100 लाइक्स कर रखते हैं। तो दीजिए इजाज़त दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।